हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में 26 लेक्चर करेंगे। आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में कि कोर्ट के निर्णय कब सुसंगत होते हैं। ये इसकी हेडिंग है सेक्शन 40 से लेकर 44 तक की, के जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन एलिमेंट, न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत होते हैं। हेडिंग ही ये बता रही है कि न्यायालय के निर्णय हमेशा सुसंगत नहीं होते, कुछ विशेष स्थितियों में ही सुसंगत होते हैं, कुछ विशेष धाराओं में सुसंगत होते हैं। तो कौन सी ऐसी स्थिति जब न्यायालय के निर्णय पहले वाले जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे, तो सेक्शन 40 से लेकर 44 तक बताए गए। इस पूरे लेक्चर को समझने के लिए, इस पूरे टॉपिक को समझने के 2 या 3 लेक्चर में हमारा कंप्लीट होगा। आज हम सेक्शन 40 और सेक्शन इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य नियम यह होता है कि कोई कोर्ट यदि डिसीजन देता है तो वो जजमेंट आगे कोई केस शुरू होता है तो उसमें सुसंगत नहीं होता, उसमें सुसंगत नहीं होता। इसका कारण यह होता है कि प्रत्येक केस अपनी फैक्ट पर, सर्कमस्टेंसेस पर और एविडेंस पर निर्धारित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक केस की स्थितियां अलग हो सकती हैं। इसलिए पहले वाले कोर्ट में दिया गया जजमेंट डिग्री ऑर्डर वो सुसंगत नहीं होता आगे वाले मैटर में। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो ए नाम के व्यक्ति का ट्रायल किया जा रहा है और किसी प्रॉपर्टी की चोरी के लिए यदि कोर्ट उसे एक्विट कर देती है, दोषमुक्त कर देती है, तो यहां पर जो दोषमुक्ति का कारण है, यानी कि हम बात करें कि जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, इस बात का तो निश्चय साक्ष्य है कि वह एक्विटर है। क्या इस बात का निश्चय साक्ष्य है कि वह इनोसेंट है, क्या उसने क्राइम नहीं किया? क्योंकि यहां पर दोषमुक्ति का कारण यह भी हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन ये अपनी बात साबित ही नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बिना किसी संदेह के, क्योंकि बटन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है कि वो बिना संदेह के 100% साबित करेगा इसी ने घड़ी चुराई है, वो साबित नहीं कर पाया। यानी कि छोड़ने का कारण, छूटने का कारण एब्सेंस ऑफ एविडेंस भी हो सकता है। यानी कि प्रत्येक केस अपने फैक्ट पर, एविडेंस पर, सर्कमस्टेंसेस पर डिवाइस जजमेंट दिया जाता है और पर नहीं। अब हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसे जो हमारा 40 है, इससे पहले एक चीज और समझाते हैं कि यदि इसी व्यक्ति को जिसको चोरी के लिए हमने ट्रायल किया था, यदि उस व्यक्ति को कोर्ट ने एक्विट कर दिया, किसी भी कोर्ट ने, क्या अब उस व्यक्ति को एक बार एक्विट कर दिया तो दोबारा से फिर ट्रायल चलना चाहिए क्या? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो चाह रहा नहीं इसे कन्विक्ट कराया जाए, तो दोबारा फिर ट्रायल करेगा। दोबारा सपोज करो फिर उसे कन्विक्ट कर दिया या एक्विट कर दिया, अब जो पीड़ित पक्षकार है, चाहे ए है बी, फिर क्या तीसरी बार जाएगा? तो इसका मतलब कि दो पार्टियों में कोई ना कोई तो असंतुष्ट हमेशा रहेगा। और जब एक बार कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो क्या जिसके फेवर में नहीं गया, यदि वो साधन संपन्न है, पैसा है, तो हमेशा हमेशा के लिए वो कोर्ट की मैटर को चलाता रहेगा, दूसरे पक्षकार को परेशान करता रहेगा। क्या ये विधि के, राज्य के या न्याय के हित में है ऐसा कि कोई कार्रवाई हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए चलती रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जब एक कोर्ट ने, सक्षम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो वो जजमेंट उसी व्यक्ति के लिए बार बार उसे परेशान नहीं किया जाएगा, वो वाला जजमेंट सुसंगत हो जाएगा। तो इसके संबंध में जो विधि दे रखी है, संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त है व्यक्ति को और सिविल संरक्षण भी है, और आपराधिक विधि में भी संबंध में विधि दे रखी है। हम बात करें किस कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 20(2) है, सीआरपीसी में सेक्शन 300 है और सीपीसी में सेक्शन 11 है। हम विशेष रूप से एक्ट्रीफाइज, एक्विट और कन्विट के संदर्भ में नहीं जा रहे, जब हमने सीआरपीसी पढ़ा था हमने बता दिया था, या फिर हम आगे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन या सीआरपीसी जब पढ़ाए। तो ये हमने समझा। तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि यानी कि सेक्शन 40 में कौन से जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत है। तो उसी के संदर्भ में जो हमने पढ़ा अभी कि सेक्शन 40 में वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे जो कोर्ट को किसी शूट का संज्ञान लेने से रोकते हैं या फिर ट्रायल करने से रोकते हैं, और वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे और उनका एविडेंस दिया जा सकता है। ये सेक्शन 40 की मैंने लैंग्वेज लिख दी है। जेडीओ का मतलब है जजमेंट डिग्री ऑर्डर। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट डिग्री ऑर्डर, यानी कि ऐसे जजमेंट का, डिग्री का, ऑर्डर का अस्तित्व क्या है, तो इसका सुसंगत है, इज रेलिवेंट। पर कौन से, तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा है डॉट डॉट करके,
वो सुसंगत है जजमेंट डिग्री ऑर्डर विच वाई लॉ प्रिवेंट एनी कोर्ट, जो कोर्ट को रोकते हैं क्या करने से रोकते हैं कोर्ट को वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर। तो इन्होंने बताया टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द शूट, शूट का कॉग्निजेंस लेने से रोके या फिर होल्डिंग ट्रायल या फिर ट्रायल करने से रोके जब किसी विधि में कुछ ऐसा लिखा है कि भाई अब इस संबंध में कोर्ट ना तो ट्रायल करेगा ना कॉग्निजेंस लेगा, तो वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे। इस संबंध में मैंने विधि आपको बता दी, संवैधानिक, संविधान और सीआरपीसी और सीपीसी। तो यही हमारा सेक्शन 40 बताता है कि वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर अज्ञात वो सुसंगत होंगे, वो जजमेंट डिग्री ऑर्डर सुसंगत होंगे जो कोर्ट को संज्ञान लेने से या फिर ट्रायल करने से रोकते हैं। यानी कि किसी मैटर में कोई कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है और वो पहले से निर्णित हो चुका है, तो जो डिसीजन पहले वाले कोर्ट ने दिया था कोई भी पक्षकार पहुंच जाएगा कोर्ट में और बोल देगा कि भाई देखो ये मैटर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो जजमेंट की कॉपी लगा देगा। तो इस जजमेंट की कॉपी लगाने से क्या होगा, वो वाला कोर्ट अब आगे ना तो उसका ट्रायल करेगा ना ही उसका संज्ञान करेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 40। परंतु ये भी आवश्यक है कि सेक्शन 40 में जो जजमेंट डिग्री ऑर्डर है वो सक्षम न्यायालय द्वारा भी दिए गए। तो कौन से पॉइंट हो गए यहां पर सेक्शन 40 में, जजमेंट डिग्री ऑर्डर सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए हो और वो ऐसे होने चाहिए जो कोर्ट को संज्ञान लेने से या फिर ट्रायल करने से रोकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 40 था। हमारा सेक्शन 40 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।